जो आपने इनिशिएटिव यहाँ पे लिख रखी है कि दिव्यांग एवं गर्भवती महिलाओं के लिए पानी पाउच फ्री, ये आपके अंदर कैसे आया मन में और ये सोच कहाँ से आई, जरा इसके बारे में हम अब जानना चाहेंगे कुछ आपसे। तो आज के इस मतलबी और फरेबी दुनिया में हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इंसानियत को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और इंसानियत को पहले मानते हैं, और मैं आज के इस वीडियो में, मतलब आज हम लोग चिड़ियाघर घूम रहे थे तो रात हो गई यहाँ पर, और मुझे एक ऐसे शख्स दिखे जो इंसानियत के क्षेत्र में एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, जिनको मैंने पहले देखा तो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को भी उस इंसान से मिलवाया जाए जो गर्भवती और विकलांग लोगों को फ्री में पानी के पाउच देते हैं। सुनने में ये बात बहुत छोटी है कि पानी के पाउच बांटते हैं, लेकिन इनके पीछे की इनकी इंटेंशन, इनके पीछे की इनकी अच्छी सोच, वो आप मतलब सोचिए। तो मैं आपको मिलवाना चाहूँगा उस इंसान से, तो देर ना करते हुए मैं आपको मिलवाता हूँ उस इंसान से। भैया बैठे हैं, इनसे बात करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं इनके बारे में कि ये कौन है, क्या है, कैसे हैं। मैं तो जानता नहीं हूँ, मैं खुद यहाँ पे यहाँ का नहीं हूँ, तो इनसे ही जानते हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम जाहिर हुसैन है। क्या नाम है? जाहिर हुसैन जी। आप कहाँ रहते हैं? मैं ग्वालियर का ही हूँ। ग्वालियर पे, यहीं पे आपका मतलब ये शॉप है इसका जी। तो ये जो आपने इनिशिएटिव यहाँ पे लिख रखी है कि दिव्यांग एवं गर्भवती महिलाओं के लिए पानी पाउच फ्री, ये आपके अंदर कैसे आया मन में और ये सोच कहाँ से आई, जरा इसके बारे में हम अब जानना चाहेंगे कुछ आपसे। आज से लगभग एक साल पहले मैंने ये दुकान चालू की है जी। इससे पहले मैं जॉब करता था, मैं ग्रेजुएट हूँ आपको बता दूँ। अरे वाह, प्लस कंप्यूटर भी आता है मुझे। अरे अरे, लेकिन कोरोना में नौकरी चली गई जी, उसके बाद फिर मैंने ये काम चालू किया जी। तो अभी रिसेंटली 6 या 8 महीने पहले मैंने सुबह सुबह दुकान खोलता था मैं अपनी, तो विकलांग महिला मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि भैया मेरे पास 50 का रुपये है, आप मुझे पानी पिला दो। सुबह सुबह खुले तो होते नहीं है, तो मैंने कहा अम्मा मेरे पास खुले तो नहीं है लेकिन आप पानी पी लो। तो मैंने उन्होंने 2 या 3 पाउच पिए थे उन्होंने, तो मैंने वो पिला दिया जी। एक तो वो खुश हो गई और बहुत सारी दुआएं देने लगी। अच्छा, उन्होंने मुझसे ये बोला कि भैया देखो मैं बहुत दूर से आ रही हूँ और किसी ने लेकिन खुले भी नहीं करे पैसे और मुझे पानी भी नहीं पिलाया, लेकिन तुमने मुझे बेटा पानी पिला दिया, तेरा भगवान भला करे। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे बारे में बोली, तो वो जो उनकी बात थी वो मेरे दिल में घुस गई। अच्छा, या क्या मैं, तभी मैंने सोचा क्या मैं पानी सबको फ्री पिला सकता हूँ जी। तो लेकिन फिर मैंने बहुत सोचा उसके बारे में, मैंने सोचा मैं इतना मैनेज कर नहीं पाऊंगा, सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए जी। तो फिर मैंने सोचा क्या मैं दिव्यांग लोगों के लिए कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक दिव्यांग हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने सोचा क्या मैं अपने लोगों के लिए कर सकता हूँ, तो फिर मैंने प्लानिंग किया मैं नहीं मैं उन लोगों के लिए करूँगा जी। तो मतलब उस इंसिडेंट के 2 या 3 दिन बाद मैंने बोर्ड लगा दिया, दिव्यांग लोगों के लिए पाउच फ्री है। अच्छा, तो ये बोर्ड लगाने के बाद में क्या बदलाव आया है, कुछ ऐसे दिव्यांग और विकलांग आपके पास आए हुए हैं? बिल्कुल, बहुत मतलब नॉर्मली अब तो ऐसा हो गया अगर विकलांग यहाँ से गुजरेगा हाँ तो मेरे पास आता ही है वो। अच्छा, वो कहता है भैया मुझे पानी पिला दो। अच्छा, दिव्यांग है मेरे दोस्त हैं या उन लोगों को उन्होंने बताया कि वहाँ पे अपना दोस्त एक गाय पानी पिलाता तो वहाँ चले जाएगा। तो अच्छा, तो बहुत सारे दिव्यांग आते हैं, तो ये काम करके आपको दिल से खुशी मिलती है एक्चुअली में? हाँ, मतलब ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ एक्चुअली बताऊँ तो। अच्छा, इससे मुझे सुकून मिलता है। अच्छा, इसे कहते हैं ना एक मैं एक कहावत है पावर ऑफ गिविंग। बिल्कुल बिल्कुल, गिविंग देने की देने की शक्ति, तो अंदर से फील होती है चलो कुछ तो कर रहे हैं हम दिन भर में एक अच्छा काम तो कर रहे हैं, वरना पूरी जिंदगी हमारी हो जाती है गलत काम करते करते गलत चीज़ सोचते हुए। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ किसी के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। आपकी बात सुन के सच में बहुत ही अच्छा लग रहा सर हमको, मतलब बता नहीं सकते काफ़ी अच्छा लग रहा, मतलब आप दिव्यांग होने के बाद भी ये काम कर रहे हैं, जबकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो मतलब काफ़ी अच्छी स्टेट में मतलब काफ़ी सारा पैसा कमाते हैं लेकिन उनकी सोच इतनी गंदी होती है कि लालच के चक्कर में वो गलत से गलत गलत में और गलत करने लगते हैं। लेकिन आपने जो मतलब ये काम किया, ये फ्री पाउच देके विकलांग और दिव्यांग को, ये मेरी नज़र में तो बहुत ही मतलब अच्छा काम है, तो इसके लिए मैं आपको मतलब दिल से शुक्रिया कहता हूँ सर। थैंक यू उन सभी लोगों के लिए। अच्छा, एक बात और, मतलब आपके मम्मी पापा मतलब क्या करते हैं, क्या कहते हैं इसके बारे में कि उन्होंने कभी कुछ कहा? मैंने एक तो ये था कि मैंने अपने मुझे किसी को नहीं बताया कि मैं फ्री पानी पिलाता हूँ। अच्छा, कभी कुछ मैंने नहीं अपना कुछ एडवर्टाइजमेंट किया ही नहीं, किसी को नहीं बताया हाँ। ना मैंने व्हाट्सअप स्टेटस पे डाला, ना फेसबुक पे, कहीं नहीं डाला मैंने अपने आप से जी, क्योंकि मेरा मकसद वो है ही नहीं कि अपने आपको पब्लिसिटी करना कि नहीं मैं पानी पिला रहा हूँ, वो है ही नहीं। अपना मतलब है कि दिल से काम करें, छोटा है भले ही
फिर मुझे उस चीज से सुकून मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। एडवर्टाइजमेंट करता फिर कि यार मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे पिताजी को आज तक नहीं पता। हाँ, अरे पानी पिला रहा हूँ। और कब से काम कर रहे हैं आप? लगभग 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने से कर रहे हैं और आपके पापा को पता ही नहीं है? क्योंकि मैंने खुद से बताया ही नहीं है। अरे, और दूसरी चीज ये कि खाली ये नहीं कि विकलांगी है, सपोज कोई बच्चा भी अगर आ जाता है कि भैया आप 3 बच्चे आए और उनके पास पैसे ही नहीं है, 5 रुपए है, भैया हमें पिला दो, तो मैं उनको भी देता हूँ, तुम पी लो, प्यासे मत जाओ मेरे यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, पैसे नहीं है, कोई इशू नहीं है, पानी पी के जाओ। अच्छा अच्छा। और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि विकलांगों के लिए चाय भी फ्री कर दूँ। तो मतलब ये काम करके लोगों को लगता है कि यार मेरा मतलब फाइनेंशियल बैकअप थोड़ा कम हो जाएगा, दिक्कत होगी। और आप दोस्तों देख सकते हैं इनकी दुकान बहुत ही छोटी है, बहुत ही मामूली है। मतलब ऐसा नहीं है कि डेली का ये 1,000-1,500-2,000 रुपये कमाते हो, लेकिन आप इनका दरिया दिली देखिए और मतलब इनका दिल देखिए। यहाँ पे पानी के फ्री पाउच, और अभी इन्होंने खुद कहा कि चाय मतलब ये फ्री करने की बात सोच रहे हैं। तो इनकी ये अच्छी सोच ही है दोस्तों, जो मतलब ये काम इनको करने को प्रेरित कर रही है। तो सर और कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब ऐसा कोई और कोई न्यूज रिपोर्टर आपको कवर करने के लिए आया है कोई, कोई कभी कुछ ऐसा कुछ? हाँ, 2 लोग आए थे। अच्छा, एक ग्वालियर के ही है। अच्छा, एक उन्होंने मुझे कवर किया था फेसबुक पर, उनका चैनल चलता है। हाँ, ग्वालियर ब्रेकिंग करके, ग्वालियर ब्रेकिंग करके न्यूज रिपोर्टर है कोई? हाँ। अच्छा, और एक पत्रिका न्यूज़पेपर वाले आए थे मेरे पास, पत्रिका जो मेरी न्यूज़ पब्लिश की थी पेपर में, पेपर में आई थी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर हम वास्तव में कुछ करना चाहते हैं ना, वो कर सकते हैं। बिल्कुल, हम ये अगर सोचेंगे कि मैं ये लायक बन जाऊंगा तब करूंगा, हाँ, पैसा आ जाएगा मैं तब करूंगा, तो कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। सही बात है। एक बहुत वैसी बात है कि अगर आपको किसी के बारे में बुरा करना है तो आप उसके बारे में 1,000 बार सोचो। बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो उसको तुरंत कर दो। बिल्कुल सर, मेरा ये मानना है। तो भाई एक सोच आई दिमाग में, तो मैंने वो स्टार्ट कर ही दिया। अब उसके लिए मैनेज करना पड़ता है, थोड़ी दिक्कत आती है। उसके लिए मैंने अपने खर्चे सारे कम कर दिए, मतलब बंद ही कर दिए। नहीं सच में सर, आपकी ये जो मतलब इनिशिएटिव है, मतलब सुन के और देख के मतलब बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा, तो मैं मतलब एक्चुअली मैं यूपी के कन्नौज से आया हूँ सर, यहाँ पे मध्य प्रदेश में टूर करने के लिए। तो अभी मैंने चिड़ियाघर घूमा, तो हमको मेरे भाई ने बताया कि सर यहाँ पे काम कर, तो मैंने कहा चलो यार देखते हैं, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। तो मैं सर अपने आप को रोक नहीं पाया और आपके पास चला आया। थैंक यू। और सच में आप मतलब बहुत ही बेजोड़ और बेमिसाल काम कर रहे हैं सर, दिल से सैल्यूट है आपको। ठीक है सर, थैंक यू, बात करने के धन्यवाद। और हम आपके साथ एक पिक्चर भी खींचना चाहते हैं।